बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसमें हम देखते हैं कि इफ़ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कि इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो या उस बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है। और दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस के लगने के बावजूद अगर बॉडी रेस्ट में रहे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहे तो उस वक्त भी बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। अब हमारे पास हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो कंडीशन हैं, दो शर्तें। और उसमें जो पहली हमारे पास कंडीशन है क्या है कि अ बॉडी एट रेस्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़ ज़ीरो एक्सीलरेशन। जो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है। एंड फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी ज़ीरो। के तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, जो बॉडी पर तमाम फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पूरी होती है। दिस इज़ नोन एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है। यानी अगर एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स F1 लग रही है और दूसरी फोर्स भी उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स अगर बॉडी पर दूसरी डायरेक्शन में लग रही हो तो उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट उस बॉडी पर ज़ीरो के इक्वल होगा। F1 हमारे पास एक्शन फोर्स है तो -F2 जो है वो उस बॉडी पर रिएक्शन फोर्स है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये इक्वल होते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए अगर हम इसमें डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसके साथ क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। तो इसमें हमारे पास जो F1 है अगर उसमें हम -F2 जो है वो इन दोनों का अगर हम सम कर लें तो आ जाएगा ज़ीरो। सिग्मा F इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिग्मा जो है वो आपको होता है, हम इसको समेशन भी बोलते हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा फोर्सेस का जो सम होता है उसको लिखने का हमारे पास एक तरीकाकार होता है कि हम उसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो सिग्मा F इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है इन तमाम फोर्सेस का जो सम है, इन बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम है वो अगर ज़ीरो है तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरे तरीके से हम ये कहेंगे एक्स डायरेक्शन में उस बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट भी जीरो है और उस बॉडी पर वाई डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट भी जीरो है। उसको हम लिख दिया सिग्मा FY इज इक्वल टू जीरो। उसको हम लिखा है सिग्मा FX इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आती है कन्वेंशंस। अब इफ द राइटवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव देन लेफ्टवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। कि अगर एक बॉडी पर दाएं तरफ जो लगने वाली फोर्सेस हैं उनको हमने पॉजिटिव लिया होता है और उसी बॉडी पर लगने वाली बाएं तरफ लगने वाली फोर्सेस को हमने नेगेटिव लिया होता है। इसी तरीके से सिमिलरली इफ अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। इस तरीके से उस बॉडी पर ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्सेस को पॉजिटिव लिया जा रहा है और उस बॉडी पर नीचे की तरफ लगने वाली फोर्सेस को नेगेटिव लिया जा रहा है। इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क से मतलब है कि ये हमारे पास अब इक्विलिब्रियम की सेकेंड कंडीशन है। तो हम अब सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द बॉडी इज सेड टू बी इन
अगर किसी बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉस का वेक्टर सम जीरो हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा कि हमने वेक्टर सम जो था फोर्सेस का बॉडी के ऊपर उसको जीरो किया था। सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया कि बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉस का जो वेक्टर सम है उसको जीरो के इक्वल किया। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें पता चल रहा है कि तमाम टॉर्क का जो वेक्टर सम है ठीक है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में कि हमें एक्सप्लेनेशन है कि हमें अब ये जो सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की उसकी ज़रूरत क्यों पेश है। तो अब अगर आप देखें कि हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स पर एक फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है और इस बॉक्स पर दूसरी फोर्स जो है वो हमारे पास है इस डायरेक्शन में, तो राइट साइड की तरफ लगने वाली जो फोर्स है उसको हमने पॉजिटिव लिया है और लेफ्ट साइड पर जो लगने वाली फोर्स है उसको हमने नेगेटिव लिया है। तो अब अगर आप देखें तो इस पर जो फोर्स एफ लग रही है उस फोर्स एफ की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है और इसी तरीके से बॉडी पर जो माइनस एफ फोर्स लग रही है यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है मतलब कि लेफ्ट साइड पर जो फोर्स लग रही है उसकी भी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। तो इसका मतलब है कि इस बॉक्स पर जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पर लग रही हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और ये जो बॉक्स है ये इसी जगह पर रेस्ट की हालत में पड़ा रहेगा। तो इसके ऊपर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है। लेकिन अगर हम इसी बॉक्स पर इन फोर्सेस का की अगर लोकेशन को हम क्या कर दें, चेंज कर दें कि एक फोर्स एफ जो है वो हम इस पॉइंट पर लगा रहे हैं और दूसरी जो फोर्स एफ माइनस एफ को हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इन फोर्सेस की जो लोकेशन है उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब लोकेशन को चेंज करने से जब हम इस पर इक्वल मैग्नीट्यूड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि अभी भी बॉक्स जो है वो इसी जगह पर ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अभी भी इस बॉक्स के ऊपर जो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, क्योंकि बॉक्स ना तो एफ की तरफ जा रहा है ना माइनस एफ की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है बॉक्स अभी भी इधर ही पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है जिसमें रिजल्टेंट जो फोर्सेस का है वो हमारे पास क्या है, जीरो है, यानी सिग्मा एफ अभी भी यहाँ पर जीरो है। फर्स्ट कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है वो अभी भी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, लेकिन इन फोर्सेस की वजह से इस बॉक्स के अंदर जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो रोटेशन के प्रोड्यूस होने से इसका मतलब है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं, मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन पूरी होने के बावजूद बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। तो इट डिमांड्स अनदर कंडीशन ठीक है, इन विच द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब है इसमें जो सेकंड कंडीशन है कि जिसमें हमने पहले भी कहा कि जो टॉर्क है उसका जो वेक्टर सम है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इस रोटेशन को भी हमने इस बॉक्स के अंदर से क्या करना है, ख़त्म करना है। तो जब हम इसके ऊपर रोटेशन यानी टॉर्क का रिजल्टेंट हम जीरो कर देंगे तो ये बॉक्स जो है वो इक्विलिब्रियम में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन फोर्सेस की वजह से जहाँ पर हमने इस बॉक्स के ऊपर इन फोर्सेस की जब लोकेशन को जब हमने चेंज किया है तो लोकेशन को चेंज करने से इसके अंदर जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस हुई है, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के अलावा भी एक और कंडीशन है ठीक है जिसका फुलफिल होना जरूरी है, बॉक्स जो है वो कम्प्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाए तो हमें यहाँ पर जो टॉर्क का रिजल्टेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन नो लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड एंड द बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा कि फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होता है, तो आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं
तो उस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अब अगर गौर करें क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो हो गया, ठीक है, कि तो फोर्स के जीरो होने से एक बार ही बात है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फोर्स किसी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन बॉडी पर पूरी हो रही है और फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो जीरो है, तो फोर्सेस के जीरो होने की वजह से कोई लीनियर एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब है हम कहेंगे बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। तो इसका मतलब है फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना होता है। तो फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन का जीरो होगा। तो ये किसके मुताबिक है, एफ इज इक्वल टू एम वी के मुताबिक है। यानी अगर आपके पास ए जीरो हो गया तो इसका मतलब आपकी फोर्स भी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन नो एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड एंड द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कि जब बॉडी पर सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है तो सेकंड कंडीशन का मतलब है टॉर्क का रिजल्टेंट जो है वो क्या है, जीरो है। तो हमने कहा था कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। तो इसका मतलब है कि अब फोर्स में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होता है तो टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्योंकि टॉर्क का यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी के ऊपर सेकेंड कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब है कि अगर टॉर्क नहीं है, अगर टॉर्क जीरो है तो उसकी वजह से जो पैदा होने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब है बॉडी जो है वो मास में आ जाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो और एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो अल्फा है, यहाँ पर अल्फा हमारे पास, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो। और क्योंकि हमारे पास जो टॉर्क का फार्मूला वो क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा है ये यहाँ पर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर अगर जीरो हो गया तो फिर पहली बात है ये हमारे पास टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। इफ बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, यानी अगर बॉडी के ऊपर दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो, यानी फोर्सेस का रिजल्टेंट भी जीरो हो जाए और बॉडी के ऊपर लगने वाले टॉर्क का रिजल्टेंट भी जीरो हो जाए, तो बॉडी सेट टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो बॉडी जो है वो किसमें होती है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आती है। तो दस फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम वी मस्ट हैव, तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम है तो हम दो चीज़ें इसके लिए कहेंगे कि उसके ऊपर सिग्मा एफ भी जीरो है और सिग्मा टॉर्क भी इसके ऊपर जीरो है। थैंक यू।